सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रबीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक, जिसमें कि हम आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पेल के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन के बारे में, जिसका कि एरर कोड F0 आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि जब F0 यूनिट के डिस्प्ले पर शो हो जाए तो आपने उसको कैसे समझना है और उसका क्या मतलब होता है और उसका हल क्या है और आपने इसको टैकल कैसे करना है। ठीक है जी, तो आए चलते हैं, हम आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहले भी अगर वीडियो देख चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यूनिट को हमने ऑन कर दिया है और इस वक्त 16 टेम्परेचर पे जो है वो यूनिट काम कर रहा है। तो एरर कोड आते ही हम आपको बताएंगे कि ये एरर कोड क्यों आता है और इसकी क्या वजह है। F0 एरर कोड जो है वो पेल के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे शो हो चुका है। तो जब भी ये एरर कोड डिस्प्ले पे शो हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जब यूनिट F0 एरर कोड आएगा तो आपका इंडोर जो यूनिट है वो बिल्कुल काम करता रहेगा, लेकिन कूलिंग जो है वो रुक जाएगी। तो आपको मैं तफसील के साथ बता देता हूं कि इसका क्या मसला है और ये क्यों आता है। ये एक फॉल्ट जो है वो आउटडोर यूनिट का है। तो चलाएँ हम आपको लेके चलते हैं आउटडोर की तरफ, जहाँ पर हम आपको तफसील से बताएँगे कि ये एरर कोड क्यों आता है। अब हम आगे हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। देखें, इसमें जब आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर किसी भी वजह से काम ना करे तो ये F0 एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो करेगा। तो अगर ये जाम हो जाए फिर भी ये ऐसे ही होगा, अगर ये किसी भी वजह से इसकी जो सप्लाई है ये इसके PCB से इसको नहीं पहुंच रही है तो फिर भी ये यही एरर कोड शो करेगा। और सप्लाई ना पहुँचने के 2 से 3 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला रीज़न जो है कि अगर ये देखें, ये मैं आपको शो कर देता हूं PCB में ये कहां लगा होती है, लगा होता है इसका कनेक्टर। देखें, ये आगे इसके सेंसर्स की वायर है, लेकिन बैक साइड पे देखें आपको 3 वायरें नज़र आ रही हैं, ब्लू, रेड और ऑरेंज, सॉरी येलो। तो इनमें से कोई एक तार भी अगर इसमें से टूट जाए, कट जाए, तो फिर भी ये आपको यही एरर F0 शो करेगा। इसके बाद ये अगर कनेक्टर ही निकल जाए पूरे के पूरा, किसी वजह से ढीला हो जाए या लूज़ कनेक्शन हो जाए तो भी ये जो है वो F0 एरर शो करेगा। और इसके अलावा अगर इसके जो IPM है वहाँ से अगर इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है तो वहाँ उसकी वजह से भी ये जो है वो F0 एरर शो करेगा। तो वो मैं आपको PCB खोल के दिखा देता हूँ कि उसका IPM कैसा होता है और उसकी क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों, अब आउटडोर PCB को हमने यूनिट से बाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको शो कर देता हूं कि इसमें जो इसका IPM है वो कहां लगा होता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी जो है वो आपको F0 एरर शो हो सकती है। ठीक है, देखें, ये जो हीट सिंक लगी है ये इसके IPM है, इसके नीचे जो है इसका IPM है और ये इसकी हीट सिंक है। तो मैं अब आपको दोबारा इसका मुकम्मल इसकी हीट सिंक उतार के आपको दिखा देता हूं। तो अगर ये भी ख़राब हो जाएगा तो फिर भी जो यूनिट है आपको F0 एरर शो कर सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने उसकी हीट सिंक उतार दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसका IPM है, ठीक है, जो फ़ैन को ऑपरेट करता है। और ये सब मॉडल में DC फैन मोटर नहीं होती है, ठीक है, तो कुछ मॉडल्स में AC फैन मोटर होती है, उसका डिफरेंट सिस्टम होता है, ठीक है, और कुछ में जो है वो DC फैन मोटर होती है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये इसका कनेक्टर है जहाँ पे UVW इंस्टॉल होता है। ठीक है जी, इसकी तरतीब कुछ डिफरेंट हो सकती है तो ये आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये ख़राब होगा तो फिर भी जो है वो यूनिट आपको F0 जो है वो डिस्प्ले पे शो करेगा। तो आप इसको या तो रिपेयर करवा लें, ठीक है, और या फिर मुकम्मल यूनिट चेंज सर्किट चेंज कर दें तो ये आपका जो एरर है वो डिस्प्ले से ख़त्म हो जाएगा और आपका जो यूनिट है वो दोबारा से वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।